अब तक सबको ये पता चल ही गया होगा कि कैप्टन मार्वल के आने वाली मूवी में स्क्रल्स को एज अ मेन विलन दिखाया जाएगा, लेकिन आखिर ये अजीब से ग्रीन गॉब्लिन जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं कौन? तो गाइज मैं हूँ आमिश और आज मैं बताऊंगा स्क्रल्स के बारे में। तो हजारों साल पहले जोरियंस रेस के कुछ एलियंस ने अपने डीएनए से कुछ और नए रेस बनाए। उनमें थे क्री, ह्यूमन और भी अनगिनत जीव। उनमें से ही एक थे स्क्रल्स। जी हाँ, ये किसी एक कैरेक्टर का नाम नहीं है बल्कि इनकी एक पूरी प्रजाति है जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के स्क्रलोज नाम के प्लेनेट पे रहते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसा कि सेलेस्टियल्स हर बार करते हैं, उन्होंने स्क्रल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इसी कारण तीन तरह के स्क्रल्स बने, नॉर्मल, डेवियंट और इटर्नल। फिर इन तीनों के बीच भी लड़ाई हो गई और डेवियंट स्क्रल्स ने बाकी दोनों स्क्रल्स को जड़ से ही मिटा दिया। यानी कि अब जितने भी स्क्रल्स हम देखते हैं वो डेवियंट स्क्रल्स के वंशज हैं। इसके कुछ समय बाद ये डेवियंट स्क्रल्स भी दो टाइप में बट गए, एक तरफ मॉडर्न स्क्रल्स जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और दूसरी तरफ डायर रेट्स जो कि जादू का यूज करते हैं। अब ये तो हो गया कि आखिर स्क्रल्स है कौन और ये आए कहां से हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये कैरेक्टर्स दूसरे प्लेनेट पे कब्जा करने का सोचते हैं और इन्होंने कई बार ऐसा करने का सोचा भी है, लेकिन अर्थ के सुपर हीरोज ने इन्हें रोक दिया। इन स्क्रल्स को सबसे पावरफुल बनाती है इनकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी, यानी कि ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। आप इन्हें यूनिवर्स का सबसे बड़ा बहुरूपिया कह सकते हैं, लेकिन इनकी एक कमजोरी है, ये किसी सुपर हीरो का रूप तो ले सकते हैं लेकिन उनके पावर्स की नकल नहीं कर सकते, और यहीं पर काम आते हैं सुपर स्क्रल्स। जी हाँ, ये स्क्रल के सुपर हीरोज की तरह होते हैं, जिनके पास ये पावर्स हैं कि वो सुपर हीरोज की शक्ल के साथ साथ उनके पावर्स की भी नकल कर सकते हैं। और ये सुपर स्क्रल्स हमें सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन के दौरान दिखे, जिसमें हमने एस गार्डियन स्क्रल, अवेंजर्स स्क्रल और एक्स स्क्रल जैसे कई और सुपर हीरोज के बहुरूपिये देखे, और ये रिवील हुआ कि वो अर्थ पे कई सालों से रूप बदल कर छुपे हुए थे। इसी स्टोरी लाइन में ये भी रिवील किया गया कि कई स्क्रल को पता ही नहीं होता कि वो स्क्रल हैं, जब तक उनको किसी तरह से ट्रिगर नहीं किया जाता। अब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्क्रल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमें अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स मूवी में दिखे हैं उनमें से कोई भी स्क्रल हो सकता है, और अगर कैप्टन मार्वल की मूवी के साइनोप्सिस पे ध्यान दिया जाए तो ये स्टोरी लाइन डायरेक्टली क्री स्क्रल वॉर से ली गई है, जहां दो एलियन रेसेस के बीच की लड़ाई के बीच हमारा प्लेनेट अर्थ आ जाता है और स्क्रल और क्री के इस लड़ाई में हमारा बहुत नुकसान होता है। अब स्क्रल को तो अभी तक मूवीज में दिखाया नहीं गया, लेकिन हमने क्री को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा है। जी हाँ, रोनन एक क्री था, और अब तो ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि वो कैप्टन मार्वल में फिर से दिखेगा। तो गाइज ये थी स्क्रल की ओरिजिन, मैं जितना रिसर्च कर पाया उतना आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि एमसीयू में कौन सा कैरेक्टर स्क्रल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। नडी न्यूज एपिसोड 5 देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और थैनोस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।